नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बात करते हैं कि नाभि जो होती है उसको नवल बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, तो उसमें तेल डालने से क्या फ़ायदे हैं और क्या वाकई आपको फ़ायदा मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है तो उसका फ़ायदा कैसे मिलता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि नाभि के अंदर तेल डालना कोई मिथ नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि नाभि के अंदर तेल डालने से कुछ नहीं होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रेगनेंसी के टाइम लेके चलता हूँ। प्रेगनेंसी के टाइम जब बच्चा गर्भ के अंदर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है तो उसके प्लेसेंटा जो बनता है, जिसमें माँ का ब्लड जो है बच्चे के अंदर जाता है, वो प्लेसेंटा जो है दोस्तों बच्चे के नाभि के अंदर ही इम्प्लांट होता है। दोस्तों नाभि के अंदर जो है जितनी भी हमारे शरीर की नसें होती हैं उनका केंद्र बिंदु जो है नाभि माना जाता है। नाभि के अंदर हमारे शरीर की सभी नसें जो होती हैं वो आके मिलती हैं, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। और शरीर का अगर केंद्र बिंदु अगर किसी को माने तो वो नाभि को माना जाता है। तो मतलब नाभि को आप अगर पोषण देते हैं तो आप मान लीजिए कि आपके पूरे शरीर को पोषण मिल रहा है। तो ओवरऑल में अगर बात करूँ तो आपका प्रेगनेंसी के टाइम से जो है भगवान ने ये तय कर लिया है कि नाभि जो है आपके शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो इसलिए इसको पोषण देना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं दोस्तों इसको पोषण कैसे दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सरसों का तेल डाल सकते हैं आप नारियल का तेल डाल सकते हैं, आप जो है बादाम का तेल डाल सकते हैं, या फिर आप जो है अगर तेल अवेलेबल नहीं हो तो आप जो है देसी घी इसमें डाल सकते हैं। डालने का भी तरीका होता है दोस्तों, आप जो है 3-4 बूंद जो है इसमें डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है पूरा आप भर दें। 3-4 बूंद इसमें रोज़ के रोज़ इसमें नाभि में आप 3-4 बूंद तेल की या घी की डालें। इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला फ़ायदा है दोस्तों, आपकी नाभि जो होती हैं वो हमेशा साफ रहती हैं। देखिए दोस्तों, नाभि जो होती है जैसे मैंने पहले बताया आपके शरीर का केंद्र बिंदु है और शरीर की बहुत सारी नसें जो होती हैं नाभि से आके मिलती हैं, तो अगर इसमें कुछ भी इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो एक तो आपको एक्सटर्नल जो बाहरी संक्रमण होगा वो तो होगा ही, इसके अलावा आपके शरीर के अंदर भी जो है इन्फेक्शन होगा और वो जो है अंदर वाला इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए अगर आप तेल डालते हैं तो एक तो आपकी नाभि साफ हो जाती है, जिसमें इसमें कोई भी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। दूसरा है दोस्तों, आपको महिलाएँ होती हैं उनमें पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो अगर आप नाभि के अंदर तेल डालते हैं तो ये पीरियड्स के दर्द को भी कम करता है। इसके साथ ही अगर आपको इंडाइजेशन की समस्या रहती है, अगर आपको ब्लोटिंग होती है, अगर आपको मंथली आती है, अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है, आपको जो एसिडिटी होती है वो अगर रहती है, तो इस प्रकार की जो भी समस्याएँ होती हैं अगर आप नाभि के अंदर सरसों का तेल ये सब डालते हैं या फिर नारियल का तेल अगर डालते हैं तो उससे अपच की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा और बात हो दोस्तों, तो अगर आपकी आंखों की रोशनी जो होती है वो कमज़ोर हैं, आपको कम दिखाई देता है, तो नाभि के अंदर अगर आप तेल डालते हैं तो ये आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। इसके साथ ही अगर आपको माइग्रेन की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, आपको बहुत ज़्यादा तेज सरदर्द रहता है, सरदर्द की समस्या में भी नाभि में अगर आप तेल डालते हैं तो ये आपकी सरदर्द की समस्या को भी कम करता है। सरदर्द की समस्या में ये बोला जाता है कि आप जो है नाभि के अंदर बादाम का तेल डालें। बादाम का तेल जो है, बादाम रोगन जो आपको बाजार में आसानी से मिल जाता है, वो सर के लिए आपके बहुत ही अच्छा माना जाता है, आपके माइग्रेन की और सरदर्द की समस्या होती है उसको ख़त्म करता है। एक दोस्तों, जोड़ों में दर्द की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, जो थोड़े एजड हो गए हैं, जिनकी थोड़ी एज हो जाती है तो उनको जो है जोड़ों में दर्द की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, आपको जो हमारे युवा हैं उनमें भी जो है जोड़ों की समस्या देखी गई है, तो अगर आपको जोड़ों की समस्या है तो उसमें आप नाभि के अंदर तेल लगा सकते हैं, उससे भी जो है काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा अगर आपके होंठ बहुत ज़्यादा फटे हुए रहते हैं, आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है, स्किन के अंदर जो है पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, जिसमें स्पेशली बोला जाता है कि आप जो है तिल का तेल या फिर जो है नारियल का तेल लगाएं, ये आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज भी करेगा, आपकी त्वचा को ड्राई नहीं होने देगा। स्पेशली सर्दियों में अगर आप ये करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो आपकी अगर स्किन जो है ड्राई है और अगर आपके होंठ वगैरह फटे रहते हैं तो ये नुस्खा ज़रूर ट्राई करें। एक और बात करते हैं दोस्तों, जो आजकल फर्टिलिटी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है,
इनफर्टिलिटी जो होती है दोस्तों, इसमें आप जो है पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं, आपके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या है तो आप जो है नाभि के अंदर तेल लगाते हैं तो आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या को जो है ये ख़त्म कर देता है और आप जो है आपके स्पर्म काउंट वगैरह जो है बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों नाभि में तेल लगाने के और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप जो है दोस्तों नाभि में तेल जरूर लगाएं, नाभि को हमेशा साफ रखें। ये जो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, शरीर का केंद्र बिंदु है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले नई वीडियो। मस्त रहिए, मस्त रहिए।